अबू भी बोलना शुरू हो गई कि हरलीन तुम ड्रामे कम करो, पर लिटरली बताऊं तो मैं सच में ड्रामे नहीं कर रही हूँ। बस 5 मिनट में नहीं, फोन पे बात करते करते पूरा रास्ता खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। ये देखो हमने ये ले लिए, 2 थैली ये, 1 थैली ये, रेडी से भी हमने खा लिया। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। अब कैसे हो, आपको पता है बहुत अच्छे हो गए। तो गाइस दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, और आज मेरी यूनिफॉर्म अलग है क्योंकि आज से मेरी वो हो चुकी है विंटर यूनिफॉर्म स्टार। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह जब मैं उठता हूँ ना तो कुछ ठंड बहुत लगती है, इसमें तो वो भी लग रही है। अब ये बहन का कोई लाज नहीं है। और पापा भी आ चुके हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, फॉलो कर लो, फॉलो कर लो। हम एक ही डायलॉग बोलते रहते हैं। यस, चले फिर। कहाँ पे? नीचे चलना ही पड़ेगा। चलो चलो इतना इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते। ओके चलो। और यहाँ पे मम्मा बना रही हैं लंच, एप्पल दे रहे हैं जो कि मेरे को पसंद नहीं है। सब खाते हैं, समझ में ही, हर एक चीज खाते हैं। मैं बनाना खाता हूँ, पहले तो एप्पल खाता सी, हूँ बनाना खान लग गया, पता नहीं की चाहिए। बस 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 बस, पूरा एप्पल लेके जाते हैं, छोटू सा तो है, पूरा आराम से खाइयो अच्छे से। ओके ठीक है। टन 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 टन। तो ये है मेरी विंटर यूनिफॉर्म जो कि मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। आपको अच्छी लग रही है पापा? यस yes. अच्छी है? यस yes. अच्छी है? यस yes. अच्छी है? कितने बार यस बोलूं? तो चलो फटाफट पापा, चलो 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 चलो। देखो सुबह 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 जाते हैं और मेरे घर पापा ने 20 रुपए लिए जो कि आप अभी भी नहीं मिले हैं। क्यों? अपने पैसे साथ में क्या आया था? हाँ जी, आपसे नहीं लिए थे मैंने, वो मैंने अपनी कमाई थी जो मेरी गुल्लक में है, वो आपसे लिए थे, और जो मैं दूसरे वो मैंने अपने आप को बता दे। डॉगी से डरते हुए पानी डाल दिया गया है। हेलो पापा। यस मम्मी, डॉगी से बहुत डरते हैं। तू नहीं डरता जैसे? मैं अब नहीं डरता। झूठ झूठ नहीं। मम्मी फिर रहेगी नहीं घर पे? चलो देखते हैं। हेलो, सो गाइस यहाँ पर टुकू हो चुके हैं रेडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कब की हो चुकी है वो तो, दोबारा क्यों करी है? और यहाँ पर हो रहा है ब्रेकफास्ट, छोले। कितनी बार खाओगे छोले? बस करो, अब फिनिश हो गया, वैसे भी लास्ट ही है, बस खत्म। शाम को क्या बनाऊं? कुछ भी क्या? कुछ भी तो कोई सब्जी नहीं आती, सोच के बताओगे? चल बाय बाय। तो गाइज अभी मैं काम वाम करके फ्री हो चुकी थी और फिर मैं अब आ चुकी हूँ निशा के घर पे। मीत की मम्मी मेरे साथ ही थी, वो भी बेचारी अभी नीचे उतरी है अपनी बेटी को लेने, मेरी वजह से उन्होंने काम भी नहीं किया, वो मेरे पास ही बैठी हुई थी। पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कब से ही होंगी पे कि नहीं होंगी, समझ ही नहीं आ रही। दिल ही नहीं टिक रहा घर पे, मतलब अपने आप को बोल्ड करने की कोशिश करती हूँ कि कुछ नहीं है, पर फिर जब अकेली हो जाती हूँ फिर वैसे ही लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, पता नहीं क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रही कि क्या मैं निकल भी पाऊंगी इस सिचुएशन से या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जबकि अब तो मेरे को डुगू भी बोलना शुरू हो गई कि हरलीन तुम ड्रामे कम करो, पर लिटरली बताऊं तो मैं सच में ड्रामे नहीं कर रही हूँ। मेरे को बहुत बैड भी फील हो रहा है कि मैं किससे ही डर रही हूँ, मुझे सीरियसली अच्छा नहीं लग रहा कि मैं, मेरे को ये होता मैं फटाफट काम करूँ और करके मैं नीचे उतर जाऊँ। सॉरी यार, पर मैं अपने आप को कोशिश कर रही हूँ चेंज करने की, पर मैं हो नहीं पा रही हूँ। फटाफट से काम ख़त्म करती हूँ कि ताकि मैं घर से बाहर आ जाऊँ। सो अभी निशा के घर बैठूँगी थोड़ी देर, अभी जप्पू को लाने में टाइम है। मैं निकल चुकी हूँ अभी जप्पू को लेने के लिए स्कूल के लिए।
तो गाइस अभी जप्पू को ले लिया है स्कूल से, पर ये ना मेरे से पिटाई करवाने वाला अपनी, इसको समझ में नहीं आती एक बात गाइस, कभी तो इसको किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कभी इसको दिवाली सेलिब्रेट करनी है, अब स्कूल में डेकोरेशन हो रही है, पर इसको प्यार से समझाया है कि जब दादू अभी अभी एक्सपायर हुए हैं तो अभी हमें कुछ नहीं करना, पर इसको समझ नहीं आती, इसको सड़ना है। देख लो ऐसे मुंह बना के जाएगा, मैंने इससे बात ही नहीं करनी। नन्हे चेम चेम कर दो, चेम चेम कर दो, नन्हे बोलो पापा, पापा बोलो, पापा बोल, जप्पू जप्पू नहीं बोलेगा, चा कर दे, आइच मार दे जप्पू को, आइच आइच मार दे जप्पू को, पे आ चुका है जो कि है दाल साथ में परांठा। मैं एक परांठा खा भी चुका हूँ और इसको देख लो इतनी बदतमीजी कर रहा है, रोटी नहीं खा रहा, बाबा यहाँ भागी जा रहा, पता नहीं क्या है यहाँ पे। तो गाइस घर से तो हम कब से ही निकल चुके थे और अभी हम लोगों के पास पहुँचने ही वाले हैं, बस 5 मिनट नहीं, फोन पे बात करते करते पूरा रास्ता खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। तो डुकू के पास हम पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट में, इतने ही मिनट लगेंगे, वो तो नहीं सामने शोरूम, ये तक ज्यादा मोटा है, सही है पतला होएगा। शॉपिंग पापा पास आ चुकी है और पापा ने कस्टमर अटेंड कर रहे हैं, माँ है ना पापा कस्टमर अटेंड कर रहे हैं, हम इतनी मुश्किल से आए चल चल के, चल को हाईलाइट मत किया कर, चल के ही आना रोज, अब चल चल को हाईलाइट करना बंद कर दे, कभी पतला होएगा थोड़ा, ये इतने मोटे मोटे बाहर आ गए ना, मैं तो बिग हूँ, तो मैं भी तो बिग हूँ, तो कोई नहीं बिग बच्चा है, ये देखो सेम हाइट है, ये देखो सेम हाइट है, पैर उठा के तो कोई भी हाइट सेम ले आएगा, आप भी मैंने पैर उठाए तो मैं तेरे से पूछ चुका हूँ, आ चुके हैं पापा, मौसम चेंज हो गया, फिर से खाऊ को मेरी शुरू हो गई है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अभी हम निकल चुके हैं पापा के साथ, कहाँ जा रहे हैं? तेरी टी शर्ट लेने, यो चलते हैं, बातें हो रही है पीछे, हम अपनी बातें कर रहे हैं पीछे, और मैं अपनी बातें कर रही हूँ, चलो ठीक है अब जाके वहाँ दिखाते हैं, ठीक है ओके। हम वापसी की तरफ निकल चुके हैं, हम गए थे आर्य समाज रोड पे क्योंकि 2 टी शर्ट्स लेनी थी जप्पू की फुल स्लीव की हनी भैया की शॉप से, तो मार्केट में वही तिलक नगर में तो इतना रश नहीं है, आर्य समाज रोड पे कितना रश था लड़को, पैर रखने की जगह नहीं, पैर रखने की जगह नहीं थी, तो मैं गाइस मेरे को तो फ़ोन निकालना सेफ लगा नहीं वहाँ पे, और टी शर्ट्स ले के हमने डोसा खा लिया था बाहर से ही, मैं जिद कर रहा था, मैं जिद कर रहा था, मेरी सिस्टर के घर पे गए पर जप्पू के टी शर्ट्स वहीं पे रह गए। कभी कभी ना हम लोग बैठ जाते हैं बातें करने और ब्लॉग बनाने का दिल नहीं होता, तो बातों बातों में जप्पू की टी शर्ट्स भी वहीं पे रह गई और बीच बीच में अंधेरा भी आना शुरू हो गया है, और अब हम ढूंढ रहे हैं रोड पे शिंगाड़े, शिंगाड़े खाने का दिल हो रहा है। फाइनली यहाँ पे हमें शिंगाड़े मिल गए हैं और रोड देखो पूरी सुनसान है, नींदा की जप्पू सब चले गए यहाँ पे, तो ये देखो हमने ये ले लिए 2 थैली, ये एक थैली, ये रेडी से भी हमने खा लिया, हमने लिया 3.5 किलो जिसमें से 1.5 किलो तो अभी हम रात रात में खा जाएंगे, है ना, 2 दिन चलेंगे हमारे ये, है ना, फिर कल आएंगे लेने के लिए, पकड़े रखे फट जाएगी थैली, पकड़ने में भी आफत आती है, दो बॉल आप पकड़ के बुलेट तू चला ले। अभी यहाँ पर
खीर आ चुकी है, तो सब कुछ खाने के बाद डोसा खा लिया आपने, फिर भी खीर खाओगे क्यों बताइए हमें? डोसा खाया, पेट क्यों भरा आपका? मेरा भर गया, आपका क्यों नहीं भरा बताइए? खीर क्यों खाएंगे आप बताओ? I'm not interested to talk with you. देख लो गाइस, मेरी इज्जत नहीं है ना? इसकी इज्जत नहीं है अगर फिर So, नींद आ रही है बहुत तेज टाइम, आपको पता ही क्या हो गया होगा? क्यों, उनको कैसे पता है? क्योंकि हम रात को इतने बजे ही सोते हैं ना 11:15 ओ दिख रहा है मम्मी को टाइम, माँ मेरे को सब दिख रहा है, तो उसी के साथ हम करते थे इस वीडियो को। तो हमारी आज की वीडियो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब की खाने की इंतजार हो रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। आई विल सी नेक्स्ट व्लॉग। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी नेक्स्ट व्लॉग। टाटा बाय बाय।